सभी का HLV डिजिटल क्लासेज में स्वागत है। मैं CM वर्मा। केमिस्ट्री का अगला वीडियो, इसका पहला क्वेश्चन है, एक क्रिस्टल में, क्रिस्टल तंत्र में A=B=C, α/β=γ, ≠90°, वो तंत्र है। तो ये आपके कोर्स से, कोर्स में नहीं है, ये कोर्स से निकल चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस 0.1 m जली बिलियन का हिमांक न्यूनतम होता है। तो देखिए, जो आपका हिमांक होता है, हिमांक में अवनमन होता है, ये प्रपोर्शनल, ये बराबर होता है, ये बराबर होगा आई के एफ इंटू एम के बराबर होता है हिमांक में अवनमन। ये और ये अगर ये स्थिर रहता है तो इसलिए हम कह सकते हैं डेल्टा एफ प्रोपोर्शनल टू आई के, आई हमारा वांट हाफ गुणांक होता है। इसका मतलब हिमांक में जो अवनमन होता है वो वांट हाफ गुणांक आई पे निर्भर करता है। अब हमारा आई क्या होता है, हमारा आई बराबर होता है 1 + n-1 × α पे होता है। अब ये वांट हाफ गुणांक निर्भर करता है एन पे और अल्फा पे। जो आयनित नहीं होते हैं उनके लिए अल्फा शून्य होता है, जो आयनित होते हैं उनके लिए अल्फा होता है, और एन का मान भी उसमें होता है। अब इसमें देखेंगे, हमारा पहला दिया सोडियम क्लोराइड, अगर सोडियम क्लोराइड को अगर हम आयनित करेंगे सोडियम क्लोराइड, तो हमारा टूटेगा N+ आयन और Cl माइनस आयन में। यहाँ पर आयन की संख्या देखेंगे तो दो होगी। अगर दूसरा देखें यूरिया, तो यूरिया हमारा होता है NH2CO NH2, ये हमारा आयनित नहीं होता, अल्फा शून्य हो जाएगा। दूसरा है पोटेशियम सल्फेट, ये हमारा होगा K2SO4, इसको तोड़ेंगे तो मिलेगा 2K+SO4−, इसमें आयनों की संख्या देखेंगे दो दो चार हो जाएगी। अगला हमारा ग्लूकोज है C6H12O6, ये भी हमारा आयनित नहीं होता है, तो ये हमारे आयनित नहीं होते हैं, तो इसमें अल्फा शून्य हो जाएगा, तो आई का मान 1 होगा। अब देखें, इसमें देखें NaCl में और Na2K2SO4 में, तो इसमें आयनों की संख्या 2 है, इसमें आयनों की संख्या 4 है, यहाँ पर 4 रखेंगे तो ये हमको आई का मान ज़्यादा मिलेगा। अगर हम 2 रखेंगे तो हमको आई का मान कम मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो तोड़ने पर जिसमें आयनों की संख्या ज़्यादा आए उसका हिमांक आई ज़्यादा होगा, और जिसका आई ज़्यादा होगा उसी के लिए हिमांक अवनमन का मान भी ज़्यादा होगा। इसलिए हमारा इसका सही विकल्प होगा पोटेशियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर। अब वेग स्थिरांक हमारा होता है आरएनए समीकरण से, वेग स्थिरांक के बराबर हमारा होता है AE−EA/RT, ये हमारा फार्मूला होता है वेग स्थिरांक का। ए हमारा देखा जाए तो ये हमारा कांस्टेंट होता है, ये हमारा कांस्टेंट होता है, आर भी हमारा कांस्टेंट होता है, ये केवल उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। अब बचा हमारा टी, अब टी अगर हम बढ़ाएंगे, टी अगर बढ़ाएंगे तो ये पूरा फंक्शन घटेगा, लेकिन माइनस लगा है इसलिए उल्टा व्यवहार करेगा, बढ़ेगा। इसलिए टी बढ़ाएंगे तो हमारा के भी बढ़ेगा, टी घटाएंगे तो के भी घटेगा, इसलिए टी बढ़ाने पर हमारा के बढ़ेगा। अब पहला विकल्प दिया है बढ़ेगा, दूसरा घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं, तो टी बढ़ाएंगे तो हमारा के बढ़ेगा, इसका सही पहला विकल्प सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड है। देखिए, मोनोसैकेराइड वह सैकेराइड होती हैं जो जल अपघटित नहीं होती हैं। अब इसमें हमारा दिया है लैक्टोस, ये जल अपघटित हो जाएगा, लैक्टोस ये हमारा जल अपघटित हो जाएगा, स्टार्च ये भी जल अपघटित होगा, माल्टोस
ये भी जल अपघटित होगा। हमारा फ्रक्टोस जो है ये जल अपघटित नहीं होगा, यही हमारा सही विकल्प होगा, यही हमारा मोनोसैकेराइड है। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज जो होते हैं वो जल अपघटित नहीं होते हैं, इसलिए मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। तो वह सैकेराइड जो जल अपघटित नहीं होते मोनोसैकेराइड कहलाते हैं, इसलिए हमारा फ्रक्टोज जो है मोनोसैकेराइड होगा। अगला क्वेश्चन है, जब एस्टिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। P2O5 एक ऐसा उत्प्रेरक है जिसमें किसी भी कार्बनिक यौगिक को जब हीट किया जाता है तो सदैव जल निष्कासित करता है, अर्थात जल निकालता है। अब देखिए हमारा दिया है एस्टिक अम्ल, तो एस्टिक अम्ल की अगर बात करें तो एस्टिक अम्ल CH3COOH, इसके अगर हम दो अणु ले लेते हैं CH3COOH, अब इसमें एक अणु पानी के साथ निकल जाएगा तो हमारा ये यौगिक बनेगा, तो ये हमारा बनेगा CH3CO, और एक वो बाहर हो जाएगा CH3CO का होल ट्वाइस O, अर्थात एस्टिक एनहाइड्राइड बनेगा। अब हमारे डी ओ विकल्पों में है, पहला विकल्प हमारा CH3CO का होल ट्वाइस एस्टिक एनहाइड्राइड, यही आपका सही विकल्प होगा। दूसरा CH4, तीसरा है CH3COCH3, चौथा है CH3CHO। तो हमारा एस्टिक एनहाइड्रेट बनेगा जब हम एस्टिक अम्ल को गर्म करेंगे, तो पहला विकल्प ही सही होगा। अगले विकल्प की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा होता है। एमाइड हमारा होता है CONH2। अब CONH2 को हमें कन्वर्ट करना है एमीन में, NH2 में। अब पहला है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो हमारी होती है RNH2, कार्बिल RNH2 में क्लोरोफार्म CHCl3 CHCl3 को KOH के साथ हम जब रिएक्ट कराते हैं तो ये हमारा बनता है RNC एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। दूसरा हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया जो होती है इसमें एक कार्बन की कड़ी कमी हो जाती है, अर्थात इसमें जो कार्बोनिल समूह है हाफमान ब्रोमाइड द्वारा निकल करके हमारा NH2 बन जाता है, इसलिए हमारा सही विकल्प दूसरा होगा। तीसरा है वुड अभिक्रिया, चौथा है कनिजारो अभिक्रिया, तो हाफमान ब्रोमाइड जो है हमारी एक यही सही होगा, तो इसका सेकंड विकल्प सही होगा। चलिए देखें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित उषा संयोजन युग्मकों के IUPAC नाम लिखिए। हमारा है NiCO होल फोर्थ, तो इसका हमारा नाम होगा, देखिए इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंतर्गत हमारा एक लिगेंड है जिसके चार अणु हैं, तो देखिए ये चार के लिए हमारा हो जाएगा टेट्रा, तो ये हमारा हो जाएगा टेट्रा CO, ये हो इसको कहते हैं कार्बोनिल, तो टेट्रा कार्बोनिल, इसका हो जाएगा निकिल NI के लिए, धातु का नाम हो जाएगा धातु परमाणु को निकिल, ये उदासीन लिगेंड है इसलिए इसकी संयोजकता हो जाएगी शून्य, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, ये पहला होगा। सेकंड हमारा है K2, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है ZnOH का होल फोर्थ। अब K2 के लिए हम लिखेंगे पोटेशियम, तो हो जाएगा पोटेशियम। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले हम लिखेंगे लिगेंड का नाम, इसमें चार हैं तो चार के लिए हो जाएगा टेट्रा हाइड्रॉक्स, ये हो जाएगा हाइड्रॉक्सीडो या हाइड्रॉक्सो भी लिख देते हैं या हाइड्रॉक्सीडो भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये देखें, ये नेगेटिव बनेगा चूंकि आयन स्फीयर में पॉजिटिव मोल लग दिया है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा जिंकेट, इसका नाम हो जाएगा जिंकेट।
यहाँ पर ये माइनस वन अवस्था में होता है तो ये माइनस चार बनेंगे प्लस दो, तो माइनस दो मतलब दो, इसका क्वाड अक्षीकरण संख्या हो जाएगी दो। तो इस तरह से हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा हाइड्रॉक्स हाइड्रॉक्साइडो जिंकेट सेकेंड। तो ये इसके आईपीएससी नाप होंगे, आई होप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव का प्रोटीन में क्या कार्य है, चलिए बायोलॉजी संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नष्ट समीकरण लिखिए, ओम ईएमएफ की गणना कीजिए। तो इसका निकालना है ईएमएफ, ई नॉट हमारा दिया हुआ है ये, तो इसकी हम सेल अभिक्रिया बनाएंगे। तो देखिए एफ ई का एफ ई एस ओ फोर में ऑक्सीकरण हो रहा है, एच प्लस का एच में एफ चयन हो रहा है, तो इसकी सेल अभिक्रिया हमारी होगी एफ ई प्लस एच प्लस गिब्स एफ ई टू प्लस प्लस एच टू के, यहाँ एच टू है इसको दो से गुणा कर देंगे। इस तरह से हमारी ये सेल अभिक्रिया हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया होगी, इस सेल अभिक्रिया में हमारा एन का मान होगा दो, दो आयन दो इलेक्ट्रॉन हमारे निकल रहे हैं और दो इलेक्ट्रॉन एफ ई का एफ ई टू प्लस में ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है और 2H प्लस का H2 में अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन H प्लस द्वारा ग्रहण किए जा रहे हैं। अब इसके लिए हमको निकालना है E सेल का मान निकालना है, EMF की गणना कीजिए। तो हमारा EMF बराबर होता है, EMF या E सेल बराबर हमारा फार्मूला होता है, E सेल बराबर हमारा होता है E नॉट सेल, E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग लॉग बेस 10 एफ ई टू प्लस एस एफ ई टू प्लस की सांद्रता बटे उत्पाद बटे अभिकारक में एच प्लस की सांद्रता, और इसके दो मूलक हैं इसलिए पावर दो हो जाएगी। ये हमारा ई सेल का फार्मूला बन जाएगा। अब ये होगा हमारा ई नॉट सेल, जब निकालेंगे तो ये हमारा ई नॉट सेल होगा, ई नॉट सेल हमारा बराबर होगा ई नॉट, ई नॉट अपचयन ये हमारा होगा ई नॉट एच प्लस ऑब्लिक एच टू माइनस ई नॉट एफ ई टू प्लस ऑब्लिक एफ ई, फिर माइनस 0.059 एन का मान हमारा दो होगा, लॉग एफ ई टू प्लस का मान हमारा है 0.001, तो 0.001 बटे एच, एच का हमारा मानक इलेक्ट्रॉन भी शून्य होता है, वन वन दिया हुआ है, शून्य वन वन दिया हुआ है, ये वन के बराबर होगा वन। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड भी हो शून्य होता है, तो हो जाएगा माइनस, और फिर ये हमारा इसका मान ये देखिए दिया हुआ है माइनस माइनस 0.44, फिर माइनस दो से काट देंगे तो दशमलव शून्य, दो दुन्ना चार, दो नवा अठारह, दो दुन्ना चार एक, उन्नीस हो गया, दो नवा अठारह, दो पंची दस, और ये हमारा हो जाएगा लाख, इसको हम लिख सकते हैं 10^-3 बेस 10। अब ये हमारा हो जाएगा प्लस, देखिए ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.44, ये माइनस पावर 3 आगे आएगी तो ये हो जाएगा प्लस,
और ये हो जाएगा 3 लाग 10 बेस 10 ये 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 0.0295 ये हमारा मान हो जाएगा। अब इस मान को हम यहाँ लिख देते हैं तो हमारा ई सेल बराबर हो जाएगा, ई सेल बराबर हमारा हो जाएगा 0.44 प्लस 3 गुणे 0.0295 ये हो जाएगा 0.44 तीनों पची 15 के 5 3 सत 21 एक 3 नौ त्रिक 27 एक 28 के 8 हाथ हैं 2 3 दूनी 6 2 8 और 0 इसको जोड़ देंगे तो देखें 0.4 को जोड़ेंगे 0.0885 से तो ये हमारा हो जाएगा 5 8 8 4 12 के 2 4 1 5 पॉइंट, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा ये 0.5285 ये हमारा सेल का व्यू हो जाएगा, इतने वोल्ट हो जाएगा वोल्ट। तो ई से तो ई सेल हमारा हो जाएगा, ई सेल हमारा हो जाएगा 0.5285 वोल्ट, यही ई एम एफ हो जाएगा हमारा। भाई वो समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले ले। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एमीन किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन है एमीन किसे कहते हैं। एमीन किसे कहते हैं, एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन को एक एक उदाहरण देते हुए समझाइए। अब देखिए वह एमीन वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक जिनमें NH2 समूह उपस्थित रहता है, जिनमें NH2 समूह उपस्थित रहता है एमीन कहलाते हैं अब कह रहा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन को एक एक उदाहरण द्वारा देते हुए समझाइए। अब देखिए कि हमारा ये प्राथमिक एमीन ये हमारा हो जाएगा द्वितीयक एमीन और ये होगा हमारा तृतीयक एमीन। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। अब देखें जब एक आर समूह एन से जुड़ा रहता है तो उसे प्राथमिक एमीन कहते हैं, तो उसे प्राथमिक एमीन कहते हैं। जैसे RnH2 ये हमारा प्राथमिक एमीन होगा, जब
जब दो आर समूह, जब दो आर समूह एन से जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं तो उसे टू डिग्री एमीन कहते हैं। जैसे एन एच आर आर आर। फिर तीसरा, जब तीन आर समूह एन से जुड़े रहते हैं, एन से जुड़े होते हैं तो उसे थ्री डिग्री एमीन कहते हैं। जैसे एन आर आर आर। अब इस आर को अगर हम सी एच थ्री मान लें तो हमारा हो जाएगा सी एच थ्री एन एच टू, जिसका नाम होगा मेथिलेमिन। अब इसको अगर हम मान लें सी एच थ्री एन एच सी एच थ्री तो हमारा टू डिग्री एमीन हो जाएगा, एन मेथिल मेथेनामिन। इसको अगर हम सी एच थ्री आर को मान लें तो हमारा हो जाएगा सी एच थ्री एन सी एच थ्री सी एच थ्री, तो हमारा हो जाएगा एन एन डाइमेथिल मेथेनामिन। तो इस तरह से हमारा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन के उदाहरण हो गए। समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फेलिंग विलयन क्या है। फेलिंग ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर इसमें क्या परिवर्तन होता है। तो फेलिंग विलयन फेलिंग विलयन क्या है? तो फेलिंग विलयन एक अभिकर्मक है। फेलिंग विलयन एक अभिकर्मक है। फेलिंग विलयन एक अभिकर्मक है जो विलेय कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फेलिंग विलयन एक अभिकर्मक है जो विलेय कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। अब कह रहा है ग्लूकोज के साथ क्या परिवर्तन होगा, समीकरण भी दीजिए। अब ग्लूकोज की क्रिया फेलिंग विलयन से कराते हैं तो ग्लूकोज हमारा होता सी एच ओ सी एच ओ एच का होल फोर्थ सी एच टू ओ एच। इसकी क्रिया हम फेलिंग विलयन से करा देते हैं टू सी यू ओ, तो ग्लूकोज हमारा फेलिंग विलयन को अपचाइड कर देता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड को क्यूप्रस ऑक्साइड में अपचाइड कर देता है,
तो इस वजह से हमारा ग्लूकोज का ये एल्डिहाइड समूह कार्बोक्सिलिक समूह में बदल जाता है। इस तरह से ये हमारा हो जाता है C OH CH OH का होल फोर्थ CH2 OH प्लस CU2O। ये क्यूप्रस ऑक्साइड का अवक्षय प्राप्त हो जाता है और ये हमारा ग्लूकोनिक अम्ल बन जाता है। इसका नाम होता है ग्लूकोनिक अम्ल मिल जाता है। आई होप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं? विलेय के मोल प्रभाज यौम वास्तदाब के अवनमन के संबंध का समीकरण लिखिए। यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यूरिया का अणुभार दिया हुआ 60 है। अब देखें मोल प्रभाज क्या होता है। मोल प्रभाज की हमारी परिभाषा होती है किसी बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल विलेय प्लस विलायक कुल विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं विलेय का मोल प्रभाज हमारा होता है स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, जहां स्मॉल एन विलेय के मोल और कैपिटल एन विलायक के मोल होते हैं। विलायक का मोल प्रभाज बराबर होगा कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये हमारा विलेय और विलायक के मोल प्रभाज हो गए। तो ये हमारा था विलेय मोल प्रभाज किसे कहते हैं। तो ये हमारी मोल प्रभाज की परिभाषा हो गई। अब इसके आगे दिया है कि विलेय के मोल प्रभाज यौम वास्तदाब के अवनमन के संबंध का समीकरण लिखिए। अब देखिए विलेय के मोल प्रभाज और वास्तदाब के अवनमन के संबंध का समीकरण राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो राउल्ट के नियम से समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे होगा संबंध के लिए हम लगाएंगे राउल्ट का नियम। अब राउल्ट का नियम हमारा क्या होता है
राहुल का नियम होता है विलय के वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन हमारा होता है पी नाट माइनस पी अपॉन पी बराबर स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यहाँ हमारा पी नाट, जहाँ हमारा होता है पी नाट बराबर होता है विलायक का वाष्पदाब, विलायक का वाष्पदाब या शुद्ध विलायक भी कह सकते हैं, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। और पी हमारा होता है जब हम उस शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं, तो जो वाष्प मिला देते हैं, जब हम शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं तो जो हमको विलयन मिलता है उसका वाष्पदाब होता है। तो ये हमारा होता है विलयन का वाष्पदाब, ये होता है विलयन का वाष्पदाब। अब इन दोनों से हम एक से इन दोनों को घटा देते हैं तो एक माइनस पी नाट माइनस पी अपॉन पी नाट बराबर एक माइनस स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब एलसीएम ले लेते हैं दोनों पक्षों में तो हमारा हो जाता है पी नाट, ये हो जाएगा पी नाट माइनस पी नाट प्लस पी, इधर एलसीएम कर लेंगे तो एन प्लस कैपिटल एन, तो ये हमारा हो जाएगा एन प्लस कैपिटल एन माइनस एन के। पी नाट से पी नाट कट गया, स्मॉल एन से स्मॉल एन कट गया, तो हमारे यहाँ पर बचता है पी अपॉन पी नाट बराबर कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण एक, इसको मान लेते हैं समीकरण दो। समीकरण एक को दो से डिवाइड कर देते हैं तो समीकरण एक को दो से भाग करने पर, अब एक को दो से भाग कर देते हैं तो हमारा मिल जाता है हमको पी नाट माइनस पी अपॉन पी नाट बटे, इधर लेफ्ट साइड में है पी अपॉन पी नाट, पी अपॉन पी नाट बराबर इधर हमारा है एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, इधर राइट में है हमारा कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब लेफ्ट में दोनों का आरएचएस कट जाता है, राइट में भी दोनों के आरएचएस कट जाते हैं, तो इस तरह से हमको मिलता है पी नाट माइनस पी बटे पी बराबर स्मॉल एन बटे कैपिटल एन, जहाँ स्मॉल एन विलेय के मोल होते हैं जिनको हम लिख सकते हैं भार बटे अणुभार के, कैपिटल एन विलायक के मोल होते हैं जिसको हम कैपिटल से लिख देते हैं भार बटे अणुभार के। इस कारण हमको सूत्र मिल जाता है पी नाट माइनस पी अपान पी बराबर स्मॉल डब्लू कैपिटल एम ऊपर चला जाएगा, विलायक अणुभार ऊपर होगा बटे विलेय का अणुभार और विलायक का भार कैपिटल डब्लू होगा। इस तरह से हमको ये सूत्र प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमारा ये सूत्र विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्पदाब के अवनमन के बीच का संबंध का समीकरण है। आई होप समझ गए होंगे। अब आगे हमारा क्वेश्चन दिया है, आगे हमारा क्वेश्चन है यूरिया का एक बिलियन भारानुसार 6% है, बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यूरिया का अणुभार है 60, तो यूरिया और जल के मोल प्रभाज निकालने हैं। अब देखिए यूरिया का मोल प्रभाज हमारा क्या हो जाएगा, तो यूरिया का थोड़ा इसको मिटा देते हैं, अब यूरिया का मोल प्रभाज बराबर होगा यूरिया के मोलों की संख्या, यूरिया का भार होगा 6 ग्राम, यूरिया का भार होगा 6 ग्राम और अणुभार है 60, नीचे होगा यूरिया के मोल 6/60। फिर विलायक के मोल, विलायक में हमारा जल है, अब
परसेंट दिया है, इसलिए 100 में 6% हमारा यूरिया थी, शेष 94 हमारा जल होगा। तो ये जल का भार होगा 94 ग्राम और जल का भार होता है 18। इस तरह से इसको हम हल करेंगे तो 6 दहम 60 1/10 बचेगा, ये भी 10 से कट जाएगा, तो ये बचेगा 1/10 / 1/10 प्लस ये हमारा कट जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 9 18 ये 2 से कट जाएगा, 2 4 8 2 7 14 तो ये हमारा बचेगा 47/9 के 47/9 इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.1, ये भी हमारा हो जाएगा 0.1, ये भी हमारा हो जाएगा 0.1 प्लस इसको हम डिवाइड करेंगे तो 9 5 45 ये हो जाएगा 5.45 2 47 दो बचा 2 20 हो गया, 9 9 2 18 फिर 2 बचा 9 2 18 इस तरह से हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1/5.3 दशमलव से दशमलव कट जाएगा, दोनों में राइट में एक अंक है इसलिए हो जाएगा 1/53 के, तो 1/53 हमारा हो जाएगा यूरिया का मोल प्रभाज। अब हम निकाल लेंगे जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज, तो जल का मोल प्रभाज बराबर हमारा होगा, अब हमें पता है कि विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का योग 1 होता है, इसलिए विलायक के निकालने के एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब विलायक का मोल प्रभाज एन बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 1 - n के, तो ये हो जाएगा 1 - 1/53 के, एलसीएम ले लेंगे तो ये 53 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा 53 - 1 के, तो हमारा आंसर हो जाएगा 52/53 के, 52/53। इस तरह से हमारा जल का मोल प्रभाज 52/53 हो जाएगा और यूरिया का मोल प्रभाज 1/53 हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे, अब आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अब कारक की आणविकता तथा कोटि में अंतर बताइए। देखिए आणविकता क्या होती है, आणविकता चलिए अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए एक तरफ हम आणविकता कर देते हैं और दूसरी तरफ कोटि कर देते हैं, आणविकता और कोटि में हमें अंतर बताना है। अब आणविकता किसी भी रासायनिक क्रिया में अवकारक अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है, आणविकता कहलाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवकारक अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। अब कोटि हमारी क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया वेग को निर्धारित करती है, जो अभिक्रिया वेग को निर्धारित करती है कोटि कहलाती है। एक अंतर हो गया, आ
आणविकता, नंबर दो आणविकता, आणविकता एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, कोटि कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है, कोटि भिन्नात्मक, कोटि भिन्नात्मक या शून्य, कोटि भिन्नात्मक या शून्य भी हो सकती है, हो सकती है। तीसरा, आणविकता कोटि के बराबर हो सकती है, इसका हो जाएगा कोटि, कोटि आणविकता के बराबर या कम भी हो सकती है, हो सकती है। जैसे जैसे एक उदाहरण से C12H22O11+H2O बराबर हमारा होता है C6H12O6। अब इसमें जो आणविकता होगी मॉलिक्युलरिटी वह दो होगी। यहाँ पर अगर यही समीकरण लिया जाए C6H12O6+H2O बराबर हमारा होगा C6H12O6 फिर C6H12O6। यहाँ पर जो कोटि होगी वो एक होगी, क्योंकि पानी का अणु सांद्रण में भाग नहीं लेता है, इसलिए कोटि एक होगी और आणविकता दो होगी। अब इसका अगला भाग है, प्रथम कोट की अभिक्रिया में 100 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो आधी रह जाती है तो इसके लिए हमारा सूत्र हो जाएगा अभिक्रिया वेग और अर्धायु में संबंध का सूत्र हमारा होता है K=0.6932/6932/T½। अब ये समय हमारा दिया है, ये होता है टी, टी हो जाएगा 10, टी हाफ के तो 0.6932 समय हमारा है 100 सेकंड, टी हो जाएगा 100, टी बराबर हो जाएगा हमारा 0.6932×10⁻¹⁰, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, सेकंड में है इसलिए ये हो जाएगा प्रति सेकंड, ये हमारा हो जाएगा प्रति सेकंड, यही अभिक्रिया का वेग होगा। यहीं तक, फिर अगले वीडियो में, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर करना भी न भूलें। धन्यवाद।